अच्छा भाई ऑनलाइन वाले हजरा ये आ, इन्होंने रिकॉर्डिंग जब ऑन की उससे पहले मैं ये लिख चुका था वाइट बोर्ड पर तो ये वाइट बोर्ड पर मैंने एक सवाल लिखा है रिसर्च हुई है डेवलपमेंट हुई है छः क्राइटेरिया पूरा हुआ है फिर डेवलपमेंट कम्प्लीट हुई है फिर दो में इतना खर्चा है अठारह में इतना खर्चा है उन्नीस में इतना खर्चा है अब आप इसकी जनरल एंट्रीज लिखें फ़ौर शुरू कर दिया जी आ, दो हजार सत्रह में क्या चलती रही रिसर्च रिसर्च एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कितने से सेवेंटी से 2018 में डेवलपमेंट शुरू हो गई थी लेकिन अभी तक छः क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ था, था। इसलिए इस डेवलपमेंट को भी कहाँ डालेंगे एक्सपेंस में कितना 90. 90. 2019 के अंदर टोटल खर्चा कितना आया पचास का डेवलपमेंट को एक्सपेंस में डालेंगे किस महीने की जनवरी और इंटेंजेबल को कैपिटलाइज करेंगे फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर तो नहीं उस नवंबर का एक दिन है क्लियर yes. और कैश कितना फिफ्टी डिवाइडेड बाय फिफ्टी डिवाइडेड बाय जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय One. और फिफ्टी डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय ये कितने लोगों ने सही एंट्री किया ज़रा हाथ खड़ा करें ये हाइब्रिड में ज़रा हाथ खड़ा करें ये कितने लोगों ने सही एंट्री किया ओके okay. किसी ने गलती से ट्वेल्थ से डिवाइड कर दिया हो तो हाथ खड़ा करें एक दो कोई नहीं हो जाता है एक दो तीन चार देखो ट्वेल्थ से कोई हम ऐसा डेप्रिसिएशन का तो सवाल कर नहीं रहे 12 महीने ऐसे इस्तेमाल हुआ है या डेप्रिशिएट हुआ है बारह महीने वो खर्चा ही नहीं हुआ जरा विजुलाइज करें ना लैब किस दिन आपने बंद कर दी है यकम नवंबर उन्नीस को अब अगर मैं इसको इस तरह प्लॉट करूं तो इट विल लुक लाइक दिस सत्रह अठारह और उन्नीस अब सत्रह में क्या चली रिसर्च, रिसर्च। अठारह में क्या चली और 19 में भी और उसके बाद 19 में क्या चली कब तक और उसके बाद इंटेंजिबल बन गया फिर उसकी मैंने लाइफ नहीं बताई अगर उसकी लाइफ बताई होती तो अमोटाईन की एंट्री भी हो जानी थी अब मसला सिर्फ क्या है कि आपने इसको तकसीम करना है लेकिन उसमें क्वेश्चन यह है कि जब आपने इसको तकसीम करना है यानी रेड पोर्शन में और ग्रीन पोर्शन में इसको बाईफ करना है तो अब सवाल यह है कि तकसीम करना किसे है तकसीम करना है पचास को अब पचास का खर्चा होता कब तक रहा यह कम नहीं होता यहां तक रहा तो डिवाइड तो बाई बारह कर ही नहीं सकते तो ये क्या करना पड़ेगा डिवाइडेड तो बाय टेन मल्टीप्लाइड बाय वन इधर फेंक दूंगा और मल्टीप्लाइड बाय नाइन इधर फेंक देंगे क्लियर ओके फेबररी फ़रवरी 2020 रिसर्च स्टार्ट हुई यकम अप्रैल 2020 क्या शुरू हुई डेवलपमेंट स्टार्ट हुई या रिसर्च मुकम्मल हुई यकम जून 2020 क्या हो गया सिक्स क्राइटेरिया फॉर रिकॉर्डिंग इन टेंजेबल बोले सिक्स क्राइटेरिया फॉर रिकॉर्डिंग इन टेंजेबल मेट और यह कम दिसंबर 2020 को डेवलपमेंट क्या हो गई कम प्लीट यह कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गई कमर्शियल प्रोडक्शन कहां शुरू होती है फैक्ट्री के अंदर वो जहां बंदे धागे बना रहे थे तो ये अब चीज़ें आपके सामने अच्छा 2020 के अंदर खर्चा आया है रुपीस 130 मिलियन चलें जनरल एंट्री कर दें जल्दी से ओके okay. अब अगेन मसला यही है कि ये 130 मिलियन का खर्चा हुआ कब है आप बताएं इतना अरसा क्या चलती रही रिसर्च चलती रही इतना अरसा बुरी डेवलपमेंट और इतना अरसा लेकिन मेरा सवाल है कि लैब में खर्चा कितना अरसा हुआ लैब में साइंसदानों को तनख्वाह कितना दी फरवरी मार्च अप्रैल मई, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दस महीने तो जो डिनोमिनेटर है ना वो सही होना जरूरी है डिनोमिनेटर विल बी टेन मंथ्स अब एंट्री क्या होगी वन थर्टी बाय मल्टीप्लाइड बाय फरवरी मार्च अच्छा आगे अप्रैल मई जून नहीं ओके नेक्स्ट जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, बस जी ओके चलेंगे ढूंढने की कोशिश करें कल किताब लेके आनी है पेज टू फोर पर क्वेश्चन थ्री मौजूद है मिल गया ओके yes, ऑन okay. जिकम जनवरी 2001, हजार जनवरी 2001 को एन एन स्टार्टेड लो जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकट्ठी शुरू हो गई रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकट्ठी शुरू हो गई ऑन अ प्रोजेक्ट डिटेल्स ऑफ कॉस्ट इनका डार दो में कितना खर्चा हुआ 120, 2002 में सो ऑन फर्स्ट सितंबर 2021 किस दिन फर्स्ट सितंबर 2021 को एक को रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ इनटेंजिबल वॉज मेट क्या 2001 में ये क्राइटेरिया पूरा हुआ जी शुरू में पूरा हुआ दरम्यान में पूरा हुआ या तकरीबन एंड पे पूरा हुआ ऑन एक सितंबर रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन वॉज ये वही क्राइटेरिया जो छह क्राइटेरिया की बात करें इस दिन पूरा हो गया इसका मतलब अगर इस दिन पूरा हुआ तो इस दिन से पहले पूरा नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। रिकवरेबल अमाउंट ये क्यों दिया इंपेयरमेंट बीवी -बी को कंपेयर करना है किससे याद रखिएगा बीवी -बी को बुक वैल्यू को कैरिंग अमाउंट को किससे कंपेयर करना है रिकवरेबल, रिकवरेबल अमाउंट से अच्छा जी अब आप मुझे ये बताएं कि 2001 में कितना खर्चा हुआ और 2002 में वन इतना आरसा क्या चलती रही रिसर्च और बुरी वाली येलो रेड इकट्ठी बना देते हैं इसके बाद क्या हो गई शुरू इसके बाद क्या हो गई शुरू यहां से पास जनल एंट्रीज इज्यूमिंग प्रोजेक्ट इज येट नॉट कंप्लीट और इकतीस बारह दो हजार दो अभी तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ इसका मतलब है सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर चार महीने ये और आगे पता नहीं अब कितना अरसा है ये कोई अजीब ही चीज बन रही है पता नहीं कितने सालों में बनेगी ये भी पूरा नहीं हुआ प्रोजेक्ट इज येट नॉट चले आप बता दें 120 को क्या करना है ये खर्चा आपको कितने अर्से का लग रहा है स्प्रेड कितने अरसे आठ महीने पे आर यू पीपल एम ए डी ये खर्चा ये खर्चा कितने महीने पे स्प्रेड है बारह महीने पे इसमें से कितनों को एक्सपेंस में डालना है आठ को और कितनों को कैपिटलाइज करना है और इस सारे को कैपिटलाइज करना okay. इसको पर्दे में डाल देते हैं इसको भी पर्दे में छुपा देते हैं वो वेलकम ड्रिंक होती है क्लासें शुरू हुए हुए वेलकम ड्रिंक हुई है कोई क्या आपने करनी है मैंने करनी है अच्छा साथ वाले को मुस्कुरा के देखें अब वो कह रहे वेलकम ड्रिंक के बाद खाना भी आता है अच्छा नाउ कॉपी साजें जो हम करें 2001 में आर एंड डी हेलो ने पूछा आरएनडी क्या उनको बता दीजिए अगर रशीद है दानिश रिसर्च एंड डेवलपमेंट 120 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 120 आरएनडी एक्सपेंस डिवाइडेड बाय और बाकी को इंटांगेबल जी जवाब दे दें दे आज जवाब दे दें दे आज ओके नेक्स्ट वी विल मूव टू टू थाउजेंड टू बात बिफोर मोविंग यू टूट टू यू आर सपोज टू मॉडरेबल ना? जी ये पर्दा हटने लगा है, देखिएगा 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 एक सेकंड के अंदर ये पर्दा हट जाएगा और ये पर्दा हटते हटते हट गया आप बताए इकतीस बारह दो हजार एक पर खड़े होकर बीवी कितनी है चारीज. कोई बंदा बीवी बताए कितनी है चालीस बुक वैल्यू इज फोर्टी कैरिंग अमाउंट इज ये वन ट्वेंटी नहीं है क्योंकि ये तो पी एंड एल में चला जाएगा बैलेंस शीट में बीवी जिंदगी में हमेशा कहां रखनी है बैलेंस शीट में बीवी कहां रखनी है बैलेंस शीट में कभी भी बीवी को एल में नहीं, नहीं डालना हमेशा कहां रखना है बैलेंस में क्या आते हैं एसेट्स नॉन करंट <laughs> बीवी करंट बीवी तो नहीं मारती ना अच्छा अब आप बताएं लेकिन अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे तो फिर मारेगी अच्छा अब एज यू सो सोशल यू अच्छा बात कहां से कहां निकल कर... अब आप मुझे ये बताएं कि बैलेंस शीट में क्या अमाउंट आ रही है फोर्टी की और रिकवरेबल अमाउंट कितनी है नाइन्टी तो क्या हम एसेट को इम्पेयर करें या डिम्पेयर करें इम्पेयर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब मैं बुक वैल्यू को कंपेयर करूंगा तो ऑलरेडी चालीस से ज़्यादा रिकवर हो रहा है तो फोर सीन गेन रिकॉर्ड करने की इजाज़त लेकिन फोर सीन लॉस रिकॉर्ड करने की जाते हैं तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वॉल्यूशन हो जाएगी अगर मैं गेन रिकॉर्ड करूंगा तो ऐसी एक थोड़ी सी वर्किंग इस साल के लिए इंपेयरमेंट लॉस या इंपेयरमेंट टेस्ट बीवी अच्छा रिकवरेबल अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट 90 तो नोट no important loss. loss no impairment loss तो इसलिए कोई जनरल एंट्री करने की जरूरत है यहां पर no. कोई जनरल एंट्री करने की जरूरत no. नहीं है और एसेट इज नॉट इम्पेयर्ड अब अगले साल की तरफ चलते हैं नोट कर लें यहां तक चलें जी आगे बताएं दो हजार दो, दो हजार मैं क्यों दू और बड़ों को ऐसे कहते हैं दो हजार दो दो हजार नहीं दो हजार दो आप बताएं दो हजार दो में कितना खर्चा आया हंड्रेड का इस सारे को क्या कर दें क्योंकि पिछले साल ही रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया पूरा हो चुका है इंटांगेबल और कैश अगले साल भी इसको किस टेस्ट से गुजारे इंपेयरमेंट टेस्ट से जी हटाएं लाइन देखिएगा हटने लगी है हटने लगी हटाइन रिकवरेबल अमाउंट कितनी है वन टेन वर्किंग क्या परफॉर्म करें इंपेयरमेंट टेस्ट बीवी बीवी बढ़ चुकी है फोर्टी yes. प्लस हंड्रेड बीबी कितने पे पहुंच चुकी है एक सौ चालीस किलो किलो नहीं एक सौ चालीस बड़े स्माइलिंग है अच्छा बुक वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट इंपेयरमेंट कितने की थर्टी की अगर रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा हो तो एसेट ऑलरेडी नाइन्टी देने को तैयार है तो फोर्टी से नीचे गिराने की जरूरत अब एसेट किताबों में वन फोर्टी का है और देने को तैयार है वन टेन तो तैती से इम्पेयर हो गया इंपॉर्टेंट लॉस इंपेयरमेंट लॉस जी एंट्री बताएं impairment loss expense debit accumulated impairment loss okay. 30. अब पी एंड एल बनाए जी क्या सवाल था हाँ कभी भी नहीं आएगा डेट असल में ईयर एंड पे ही समझ लें खर्चा तो सैलरी साथ साथ पे होती रहती है ना पूरा साल ईयर एंड की डेट डाल दें ओके so what will go in pnl 2001 r and d expense and 2002 impairment loss balance sheet इंटेंजिबल वर्किंग प्रोग्रेस ग्रॉस केयरिंग अमाउंट लेस अकामुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस दो हजार एक gross carrying amount 40 impairment loss net carrying amount 40 gross carrying amount 40 plus 100 140 minus 30 gross carrying amount is 140 impairment losses net carrying amount Next. तो जिस साल बुक वैल्यू कम है और रिकवर ज्यादा हो सकता है तो इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड नहीं।, नहीं करेंगे और जिस साल बुक वैल्यू ज्यादा।, ज्यादा है और रिकवरेबल अमाउंट तो अब आप उस से इतना रिकवर तो अब आप इसको क्या कर दें इंपेयर कर अब आप नोट्स में तशरीफ तो ले आए जी ऊंची बोले आपने कल की क्लास नहीं ली बस अगर चीज़ किताबों में चालीस की है और वो हमें दे के जा सकती है नाइन्टी तो फिर उसको कोई गेन रिकॉर्ड करने की इजाज़त इसलिए कोई इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड बस ये बताया और अगर चीज़ हमारी किताबों में 140 की है और दे के जाएगी तो फिर तीस से चीज क्या हो गई है इंपेयर हो गई पेज नंबर टू फिफ्टीन आज हम क्या पढ़ रहे हैं इंटरनली जनरेटेड और ये इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल्स कहां जनरेट हो रहे हैं लैब के अंदर ये कहां जनरेट हो रहे हैं लैब के अंदर हम इंटरनली जनरेटेड चीजों को जनरेट कर रहे हैं An internally generated intangible asset is created by a company through its own efforts. own efforts. To assess whether an internally generated intangible asset meets the criteria for recording an entity, classifies the generation of asset into two phases. The phase number one is research, and the phase number two is. आगे पढ़ें जी रिसर्च की डेफिनेशन पढ़ें रिसर्च इज ओरिजिनल एंड प्लैंड इन्वेस्टिगेशन अंडरटेकन विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ गेनिंग न्यूज साइंटिफिक और टेक्निकल गेन करना है या अप्लाई करना है गेन करना है या अप्लाई करना है रिसर्च इज ओरिजिनल इन प्लैंड इन्वेस्टिगेशन अंडरटेकन विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ गेनिंग न्यूज साइंटिफिक और गेनिंग न्यू एंड अंडरस्टैंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नो राइजिंग फ्रॉम रिसर्च इनजेल एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च शेल बी रिकॉर्डेड एज एन आप बता दें जी रिसर्च वाले खर्चे को क्या करेंगे एक्सपेंस yes, में डालेंगे या कैपिटलाइज करेंगे yes, में मैड ये ना पहले स्टैंडर्ड्स लेके जाने की इजाज़त होती थी अब स्टैंडर्ड लेके जाने की इजाज़त नहीं है तो ये ना पैरा फिफ्टी सिक्स होता था स्टैंडर्ड में जिसमें ये सारी एग्जांपल्स जो है ना लिखी होती थी तो यहीं से बच्चे देख लेते थे ताकि पता चल जाए रिसर्च है क्या अब सवाल ये कि रिसर्च में क्या होता है रिसर्च में क्या होता है अब मैं आपको कहूँ कि लैब के अंदर रिसर्च हो रही है सर्च के दौरान जो है फुटबॉल खेला जाता है अब आप कहेंगे इट इज नॉट अ रिसर्च एक्टिविटी इसी तरह मैं कहूँ रिसर्च हो रही है रिसर्च 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 के दौरान सालन पकाया जाता है उधर इट इज नॉट अ एक्टिविटी में क्या होगा और फिर क्या असल में वो लोग क्या कर रहे होंगे सफेद कपड़ों वाले तो हमें लगेगा ये रिसर्च कर रहे हैं और वो लोग क्या कर रहे होंगे तो हमें पता लगेगा कि ये डेवलपमेंट करें अब देखें ये बातें अकाउंटेंट्स की नहीं है लेकिन अकाउंटेंट्स ने इन बातों को स्टडी करके अपने थोड़ी सी रिफाइन फॉर्म में वही हरकतें शुरू कर दें और अब आगे जो है थोड़ा बढ़ जाए तो उसी को हम दूर से खड़े होकर क्या कह रहे होंगे डेवलपमेंट अब एक बंदा क्या हरकत करता हुआ पाया जाए तो कहा जाएगा ये रिसर्च कर रहा है हरकतें पढ़े अब इनको क्या करना है घर जाके याद करना है या बार बार पढ़ लेना है पहले तो ये होता था स्टैंडर्ड खोल के बच्चे देख लेते थे अब मजबूरन बार बार क्या करना पड़ेगा घर जाके पढ़ना पड़ेगा पढ़ने से ये फायदा होगा कि पेपर में बैठे आपको याद आ जाएगा कि इस तरह का लफ्स हमने किस में पढ़ा था रिसर्च में तो फिलहाल समझने पर फोकस करें पढ़ना घर जाके दो तीन दफा देख लो मोबाइल आप हम आगे आपको अच्छा रिसर्च एक्टिविटीज आर नंबर वन एक्टिविटीज एम्ड एट एम डेट ऑफ टेनिंग ऑबटेन और ऑबटेन ना एक्टिविटीज एम्ड एट ऑफ टेनिंग आ द सर्च द इवेल्युएशन एंड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द सर्च द इवेल्युएशन एंड फाइनल सेलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च में जो हमने फाइंड किया है उसकी जो फाइंडिंग्स हैं उनको इवेल्युएट करना है और उनकी फाइनल सेलेक्शन करनी है या आगे कोई काम शुरू कर देना है अभी सिर्फ फाइनल सेलेक्शन करनी है द सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव मटीरियल खरीदने शुरू करने हैं या मटीरियल सर्च करने हैं करेला कोला बनाने के लिए क्या क्या डलेगा अंदर कितना लौंग डलेगा कितनी सौंफ डलेगी कोला बनाने के लिए कितना नमक डलेगा कितनी चीनी डलेगी कितनी शक्कर डलेगी कितना गुड डलेगा सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव मेटीरियल ऑल्टरनेटिव डिवाइस गड्डी आगे चलाओ ना थी मेटीरियल है गड्डी दैट मूव प्लीज़

एंड द फाइनल सेलेक्शन ऑफ ऑल्टर अभी जो ऑल्टरनेटिव हमारे सामने आए हैं उनको फॉर्मुलेट करो डिजाइन करो एवेल्युएट करो और फाइनली सेलेक्ट करो ऑल्टरनेटिवस को यह काम करना शुरू कर दो द फॉर्मुलेशन द डिजाइन उनको फॉर्मुलेट करो उन, उन जो जो ऑल्टरनेटिव आए हैं उनको डिजाइन करो उनको इवेलूएट करो फिर उन उन डिज़ाइन्स उनको सेलेक्ट कर लो पासिव पॉसिबल ऑल्टरनेटिस् को जो जो चीज़ बनाने के तरीके हैं उन सबको क्या कर लो इवेलुएट कर लो कि कौन सा चीज़ बनाने का तरीका बेहतर है ग्राइंडिंग मशीन में करोला रला गोला बनेगी या हाथ से ही कोई चीज़ गरारियाँ घुमानी मानी पड़ेंगी या एक जो है कुएँ के अंदर सब कुछ डाल देंगे वहाँ पर जो है गाय साइड पर घूमती रहेगी गोल गोल तो फिर बन जाएगी वो वो सारे के सारे जो तरीक़े हैं उनको फाइनली सेलेक्ट कर लो उनमें से फॉर न्यू और इम्प्रूव मटीरियल devices, प्रोडक्ट services, प्रोसेस systems और सर्विस जो भी चीज़ें बनाना चाह रहे हो उसके लिए तो इन सारी बातों से हमें क्या लागे तुम्हें क्या लागे कि अभी शायद कोई डेवलपमेंट वाली एक्टिविटी शुरू नहीं हुई अभी सर्च सर्च में ही लगे हुए हैं और सर्च करके फाइनल सिलेक्शन भी होगी है चीज़ों की लेकिन अभी तक उनको अप्लाई करना शुरू अब हम डेवलपमेंट फेज की तरह मूव करेंगे और डेवलपमेंट फेज के अंदर क्या होने लगा डेवलपमेंट फेज इज एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग अब रिसर्च फाइंडिंग को क्या करेंगे हम हाँ? अप्लाई करेंगे और अदर नॉलेज टू अ प्लान टू टू ए प्लान और डिजाइन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू और इम्प्रूव मटीरियल डिवाइसेस प्रोडक्ट प्रोसेस सिस्टम सर्विसेस बला 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 बिफोर स्टार्ट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन का मतलब बताएं। कमर्शियल प्रोडक्शन कहां होती है रे कमर्शियल प्रोडक्शन यहां होती है रे ये क्या है फैक्टोरी तो यहां से पहले पहले जो बोंगियां ये मार रहे हैं डेट इज रिसर्च एंड और यहां आके जो बोंगियां ये मारेंगे डेट इज और बोंगी आपके सामने चलें जी हमारा आज का टास्क है पाँच सेकंड साथ वाले को मुस्कुरा के देखें फिर आगे चलते हैं हाइब्रिड प्लीज मुदर करें साथ वाले को मुस्कुरा के देखें पहली मुलाकात है आज आपकी उससे सलाम लें शेक हैंड करें सलामकम करें शेक हैंड अगर वो शर्मा रहे तो आप खुद हाथ आगे कर दें अब हाथ पे हाथ सुटें कोई ऐसा है जो कह रहा है इस सफा पहले दिन से पढ़ना साथ साथ कौन है कोई ऐसा अच्छा अल्लाह जाए ओके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बोलते हैं इसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन तेंजेवल अराइजिंग फ्रॉम डेवलपमेंट शेल बी रिकॉर्डेड शेल बी एज एसल रिकॉर्डेड एज एफ पेन ऑनली एफ एन एंटिटी कैन डेमोन्स्ट्रेट ऑल ऑफ द ये कितने क्राइटेरिया हैं अगर ये छह क्राइटेरिया पूरे हो गए तो ऐसी डेवलपमेंट को क्या करना है कैपिटलाइज करना है शेल बी रिकॉर्डेड एज एन ऊपर मैंने लिख दिया आपके साथ वाले के लिए रिकॉर्डेड अगर कितने क्राइटेरिया पूरे होंगे इन छह क्राइटेरिया को जरा साइड पे रखें रख दिया अब जरा देखते हैं क्या हरकतें करते हुए पाए जाएं तो लगेगा हमें ये कोर्ट वाले लोग क्या कर रहे हैं डेवलपमेंट कर रहे हैं देखें कटिंग कुकिंग डिलीवरी इन तीनों में क्या फर्क है कुकिंग, कटिंग कुकिंग डिलीवरी कटिंग का क्या मतलब है अभी पीजे के लिए काटना अभी पीजे के लिए शिमला मिर्च कट रही है अभी मुर्गी जिबा हो रही है ये क्या है कटिंग कुकिंग क्या है रोटी रखी उस पर सालन पिज्जा बन रहा है ना नीचे रोटी रखेंगे ऊपर सालन डाल देंगे फिर डिलीवरी डिलीवरी का क्या मतलब है नहीं ओवन के बगैर वाला हमने अब डिलीवरी का क्या मतलब है अब वो आ रहे तो इन तीनों चीजों में फर्क है सिमिलरली रिसर्च और डेवलपमेंट में जब कटिंग हो रही होगी तब आप ये नहीं कहेंगे डिलीवरी हो रही है जब कुकिंग हो रही होगी तब आप ये नहीं कहेंगे कटिंग हो रही है सिमिलरली जब रिसर्च हो रही होगी तब आप बोंगी नहीं मारेंगे लेकिन टेस्टों में मारेंगे इंशाल्लाह बोंगी और जब डेवलपमेंट हो रही होगी तब ये नहीं कहेंगे रिसर्च तो हो रही है तो रिसर्च हो रही होगी ये नहीं कहेंगे तो इसके लिए हमें आज घर जाके बार 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 इन चीज़ों को लाइनों को पढ़ना पड़ेगा भाई याद नहीं करना बार बार पढ़ना पड़ेगा ताकि पेपर में कुछ तरह की लाइन लिखी हुई नजर आए तो हमें पता चल जाए कि ये रिसर्च हो रही है या अब आप आपको इन लाइनों में ज्यादा मजबूती पाई जाएगी या उसी तरह की लाइनें होंगी सिलेक्शन पॉसिबल ऑल्टरनेटिव सर्च इस तरह की लाइनें पाई जाएंगी या जा मजबूत बातें पाई जाएंगी मजबूत बातों का क्या मतलब होगा आप काम आगे निकल चुका है गल गई है और आप बात कहां जा चुकी है डेवलपमेंट की तरफ चले हाथ खोल दें जल्दी से ऐसे करें साथ वाले एग्जाम्पल्स ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज आर हाथ ऊपर करें सारे ऊपर रखें बचपन याद आएगा दो मिनट के लिए जल्दी जल्दी हाइब्रिड प्लीज हाथ ऊपर कर दें बैठे बैठे मैं कह रहा हूं आप लोगों को कौन से खड़े खड़े शुक्रिया वापस आ जाए अच्छे बच्चों ने बात मानी एग्जाम्पल डेवलपमेंट एक्टिविटीज आर डेवलपमेंट एक्टिविटीज की ये एग्जाम्पल्स हैं डिजाइन हुई गल बद गई है ना डिजाइन डिजाइनिंग पे बात चली गई डिजाइन कंस एंड टेस्टिंग ऑफ व्हाट प्री प्रोडक्शन और प्री यूज ये क्या होता है प्री प्रोडक्शन और प्री यूज प्रोटोटाइप्स एंड मॉडल्स यानी कि एक प्रॉपर मोटरसाइकिल बन रहे जो बाजार में बिकेगा या उसका अभी सैंपल प्रोटोटाइप बना के देखा जा रहा है मॉडल बना के देखा जा रहा है कुछ लोग साथ लगे कहते तुम क्या मॉडल बने हुए हो तो ऐसा नहीं कहना चाहिए तो चीज का मॉडल बन रहा है प्रोटोटाइप बन रहे उस वो चीज बन रही है जिसने बनना या उससे मिलती जुलती चीज बनाई बनाई जा रही है मिलती। <coughs> उससे मिलती जुलती चीज जुलती जुलती द डिजाइन द कंस्ट्रक्शन एंड ऑफ अ प्री प्रोडक्शन प्री प्रोडक्शन का क्या मतलब है अच्छा प्रोडक्शन कहाँ होगी यहाँ तो इधर क्या होगी प्री प्रोडक्शन सारे सीखे सि हैं लगता है the design construction and testing of pre-production or pre-use and models the designs of tools jigs molds and dies involving kamatla भाई सांचे बन रहे हैं ना जिसके अंदर चीज़ों को डालें जैसे बर्फ़ के लिए सांचे बनते हैं जैसे वो गोल सा समोसा बनाना हो तो उसके लिए कुछ सांचा होता है उसके अंदर आप रखते हैं तो इस तरह सांचे बन रहे हैं वो जो नई मोटरसाइकिल अब बननी शुरू होनी है या नई चीज़ अब बननी शुरू होनी है तो उसके लिए बम्पर अलग सांचे में डाले जाएंगे उसके जो है वो बाकी मटेरियल अलग सांचे में डाला जाएगा तो किस किस सांचे में चीज़ों को कैसे डाला जाएगा कि वो एतबार से मोल्ड हो जाएंगी तो डिज़ाइन ऑफ टूल्स जेग मोड्स एंड डाइज इन्वॉल्विंग न्यू टेक्नोलॉजी द डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ आ डिजाइन ऑफ पायलट प्लांट का क्या मतलब है पायलट प्लांट किधर होगा पायलट प्लांट प्लांट किधर होगा प्लांट प्लांट ये प्लांट तो आपके सामने लगे हुए हैं मेरे ख्याल से ये प्लांट ही तो है जो लगे हुए हैं प्लांट कहां होगा और पायलट प्लांट कहां होगा पायलट प्लांट लैब के अंदर होगा पायलट प्लांट कहां होगा लैब के अंदर द डिजाइन डिजाइन किसका डिजाइन पायलट प्लांट का द कंस्ट्रक्शन पायलट प्लांट बाद में क्या होगा कंस्ट्रक्ट होगा एंड ऑपरेशन का मतलब बताएं चलेगा लेकिन ये कहां चलेगा yes. डिजाइनिंग भी कहाँ होगी और कंस्ट्रक्शन भी कहां होगी yes. कर, और ऑपरेशन भी कहाँ yes. होगा ऑपरेशन ऑफ पायलट प्लांट डेट इज नॉट ऑफ अ स्केल इकोनॉमिकली फिजेबल फॉर इस लाइन का मतलब बताएं वो प्लांट इस काबिल yes. कि अभी वैसी चीजें बना सके जिनको बाजार में बेच सकें डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ 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 चूजन ऑल्टरनेटिव या ऑफ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव पहले क्या लिखा हुआ था पॉसिबल ऑल्टरनेटिव अब लफ्स कैसे बदल गया है? भाई ये लफ्स में है दोनों में उधर लिखा हुआ था पॉसिबल ऑल्टरनेटिव ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है इधर क्या लिखा हुआ है जो चूज कर लिया उनमें से द डिजाइन कंस्ट्रक्शन ऑफ चूजन ऑल्टरनेटिव का क्या मतलब है दो तीन ऑल्टरनेटिव थे क्या आपने जग के अंदर ग्राइंड करके बनाना है या आपने हाथ से कोई जो है वो मदानी के साथ बनाना है या आपने किसी और तरीके से बनाना है अब उनमें से एक ऑल्टरनेटिव आपने क्या कर लिया जिसको चूज कर लिया उसे डिजाइन कर रहे हैं उसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं अब अब बात हवा में नहीं रही तो अब लग रहा है कि साइंसदान क्या कर रहे हैं रिसर्च कर रहे हैं या डेवलपमेंट अब लग रहा है कि वो डेवलपमेंट कर रहे हैं डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ चूजन ऑल्टरनेटिव फॉर अ न्यू और इम्प्रूव मटीरियल डिवाइस प्रोडक्ट्स प्रोसेसिस सिस्टम और सर्विसेस ओके नाउ पैरा फिफ्टी सिक्स वाली बातों से क्या पता चलेगा रिसर्च चल रही है रिसर्च चल रही है और पैरा फिफ्टी नाइन वाली बातों से क्या पता चलेगा अब मेरा आपसे यह सवाल है बूथा सॉरी डी ट्रैक होते हो तो लफ्स बोलना पड़ता है चेहरा शरीफ इधर अब मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर ये रिसर्च चल रही है इसे कहां डालने? और अगर आपको फैक्ट्री के अंदर ये वाली चीजें होती हुई नजर आ रही पायलट प्लांट थोड़ी देर बाद गुड़ 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 कर रहे हैं, अब पायलट प्लांट की आपको आवाजें आ रही हैं तो क्या चल रही है इसे क्या करना है चपेड़ अगर ये काम हो रहे हैं और उसके दौरान छ क्राइटेरिया मीट तो इन कामों के खर्चे को कैपी और अगर ये काम हो रहे हैं इनमें से कोई काम भी हो रहा है ये काम हो रहे हैं और कामों के होते हुए अभी छह क्राइटेरिया मीट तो फिर चाहे ये काम हो भी रहे हैं चाहे पायलट प्लांट की आवाजें भी आ रही हैं, स्टिल आपने उस खर्चे को कहा डालना क्योंकि डाउट है कि हो प्रोजेक्ट कंप्लीट, अब वो छह क्राइटेरिया कौन से हैं जो हो रहे हो पूरे तो इस फेज के खर्चे को कैपिटलाइज करने हैं। वो आसान से है वो लें पेज टू फिफ्टीन अच्छा यहाँ अब चार चीज़ें हमने पढ़ ली हैं रिसर्च की डेफिनेशन पढ़ ली और डेवलपमेंट की डेफी फिर अगर मैं आपको कहूँ रिसर्च और डेवलपमेंट की एग्ज़ाम्पल्स पढ़ी हमने ये एक्टिविटीज़ बोल दें जो आपको अच्छा लफ्स लगे पहले हमने रिसर्च की डेफिनेशन पढ़ी फिर हमने डेवलपमेंट की डेफिनेशन पढ़ी फिर रिसर्च की एग्ज़ाम्पल्स या एक्टिविटीज़ पढ़ी फिर डेवलपमेंट की एग्ज़ाम्पल्स अब क्या पढ़ने लगे हैं कि वो डेवलपमेंट तो शुरू हो गई है लेकिन क्या वो इस काबिल है कि उसे ये उसमें मोटी मोटी बातें ये हैं कि अगर डेवलपमेंट के दौरान आपको पता है ना आपकी कॉस्ट क्या आ रही है और आपके ओनर्स की इंटेंशन भी है प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की और साइंसदान कह रहे हैं हमारे पास इतनी रिसोर्स भी हैं कि हम कम्प्लीट कर सकेंगे अगर ये चार पाँच छः बातें पाई जा रही हैं ना तो इसका मतलब है आप फिर क्या कर दें डेवलपमेंट को कैपिटलाइज़ कर दें दोबारा ज़बानी सुन लें पाँच छः जो बातें लिखी हुई हैं जबानी सुन लें आपको देखने में लग रहा है डेवलपमेंट के दौरान कि ये चीज़ ऐसी है कि इसको साइंसदान पूरी भी कर लेंगे और ये चीज़ ऐसी है कि ओनर के पास इतने पैसे भी हैं कि वो काम को पूरा होने देगा और दूसरा कॉस्ट का अंदाज़ा भी लग सकता है और मार्केट में जब ये चीज़ बनेगी लोग ख़रीदने को तैयार भी होंगे इस तरह के पाँच छः सवाल अगर आप अपने जहन में करें और सब का जवाब ही है सब का तो आपने फिर डेवलपमेंट को क्या करना है अप्लाई अच्छा साइंसदान काम करने में इंटरेस्टेड भी हैं काम पूरा भी हो सकता है कॉस्ट का अंदाज़ा भी है मार्केट भी तैयार बैठी है लेकिन ओनर कहते हैं मेरे पास फंड्स ही नहीं है तो डेवलपमेंट हो भी रही है तो स्टैंडर्ड कहता है इसे क्या कर दो यार फारक कर दो इसको एक्सपेंस में डाल दो अब वो छह बातें क्या हैं इनको भी रीड आउट करना है अब रट्टे तो नहीं घर में मार सकेंगे एन इन एसेट अराइजिंग फ्रॉम डेवलपमेंट शेल बी रिकॉर्डेड एज एसेट इफ एंड ऑनलीफ दी कैन डेमोन्स्ट्रेट हाईलाइटर लेके ऑल को हाईलाइट कर लें साथ वाले के पास पड़ा हुआ खुद एक हाइलाइटर है जी। अगर डेवलपमेंट, हाँ। तो फिर वो बताएगा ना सिर्फ क्राइटेरिया वाली डेवलपमेंट है या नहीं फिर साथ रिसर्च कल लिखा होगा अच्छा टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द इंटेंजिबल ये कौन बताएगा वैसे टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द इंटेंजिबल एक्स टेक्निकल लोग बता देंगे मेरे ख्याल से ओनर तो नहीं बिजनेस का बता सकेगा साइंसदान ही बताएंगे कि आगे ये काम चल सकता है या द टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द इंटेंजिबल सो रेट इट विल बी अवेलेबल फॉर यूज़ और क्या मतलब अच्छा कुछ इंटेंजिबल बन के ना सेल होते हैं जैसे फार्मूला बन के बोतलें सेल होती हैं और कुछ इंटेंजिबल बन के यूज़ होते हैं जैसे कॉलेज वाले कोई सॉफ्टवेयर बना ले तो वो यूज़ करेंगे तो वो इंटेंजिबल बार बार लॉस लिखा होगा इसको इग्नोर कर दिएगा यूज़ और सेल यूज़ और सेल समझ आ गया लॉस कुछ इंटेंजेबल्स हम खुद ही यूज़ करते हैं कुछ बना के आगे उनसे बोतलें वगैरह बिस्किट बना के बेचते हैं अच्छा तो इसको मैं उर्दू में बताता हूँ कि डेवलपमेंट में जान है या नहीं यही हमारा सवाल है ना डेवलपमेंट अगर जानदार है तो कैपिटलाइज़ करनी है और अगर डेवलपमेंट में जान नहीं है तो एक्सपेंस करना है अब डेवलपमेंट जानदार बनने के लिए पहली शर्त क्या है टेक्निकली, टेक्निकली फिजेबल हो ये कौन बता सकेगा टेक्निकल एक्सपर्ट्स ही बता सकेंगे ये टेक्निकली है या नहीं दूसरा इंटेंशन टू कंप्लीट कौन बताएगा मुकम्मल करना है या नहीं ये मेरे ख्याल से बिजनेस के ओनर डायरेक्टर से पूछ ले आपका इरादा भी है या नहीं ये ऐसे ही साइंसदानों को आपने बरकत के लिए बताया हुआ है कुछ लोग होते हैं फारक पैसे होते हैं उनके पास तो ऐसे लोगों को लगाए रखते हैं पैसे देके चल काम करते रहो बीच में आके कहते नहीं नहीं यार बस बहुत होगी चलो जाओ तो हो सकता है ये वाला सीन भी हो तो इंटेंशन टू कंप्लीट शायद ओनर बताएगा बिजनेस का एबिलिटी टू यूज और जब चीज़ बन जाएगी आप इस काबिल भी हो सकेंगे इसको यूज़ कर सकेंगे या नहीं बाद में चीज़ बन जाए आप कहीं यार आप इसको करना क्या तो आप जो बना लें बाद में क्यों आना कैसे अच्छा तो कोई ऐसी चीज़ आप ना बना लें जिसमें बाद में आप कहीं यार आप इसका क्या करें तो कहना कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसमें एबिलिटी भी हो इस काबिल भी हो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते और ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन आपको फ्यूचर में फ़ायदा देगी देगा भी या नहीं सबसे मेन सवाल यही है हाउ द इंटेंजिबल विल जनरेट प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट उसमें क्या देखा जाएगा अमंग अदर थिंग्स दूसरी चीज़ें भी आप देखें मेरे कहते हैं मेरा मशवरा है ये भी देख लें दूसरी चीज़ें भी आप देखें डेंटिटी कैन डिमॉन्स्ट्रेट द एग्जिस्टेंस ऑफ आ आप एक मार्केट सर्वे करवा लें बेशाक आप यूट्यूब के ऊपर या कहीं भी आप जाके ऐसे सर्वे सर्वे करवा लें लोगों से पूछ लें कमेंट्स ले लें नीचे कि यार करेला कोला आ रही है आप लोग पियेंगे या नहीं पियेंगे तो हो सकते है, सारे लोग ही तैयार बैठे हों यार हम तो जरूर पिए एक दफा लेके तो जरूर देखेंगे तो मार्केट सर्वे करा अमंग अदर थिंग्स लेडिटिंग एन डेमोस्ट्रेट द ऑफ अ मार्केट फॉर आउटपुट ऑफ इनटेंजेबल ये क्या मतलब है फॉर आउटपुट ऑफ इन टेंजेबल और इनटेंजेबल इट्स आउटपुट ऑफ इनटेंजेबल तो वही होगी ना फॉर्मूला बना उससे बोतलें बननी है और इनटेंजेबल इन इट्स सेल्फ आपने कुछ सॉफ्टवेयर अपने लिए बना लिया और इफ इट इज टू बी यूज इंटरनली द यूजफुलनेस ऑफ और अगर आपने बाहर नहीं बेचना अपने लिए यूज करना है तो बताओ कैसे यूजफुल होगा अगर ये बातें पाई जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता आता चारों बातें पाई जा रही हैं तो दो बातें और देख लें अगर आप इसमें भी यस कर देते हैं तो हमारी नजर में फिर जो डेवलपमेंट हो रही है ना फैक्ट्री में सॉरी लैब में उसे क्या करना शुरू कर दें पांचवी चीज अवेल अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ये कौन बताएगा अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ओनर के पैसे भी हैं या नहीं अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निकल रिसोर्स या ओनर्स भी बता देगा साइंसदान भी बता देंगे टेक्निकली पॉसिबल है या नहीं टू कंप्लीट द एंड टू यूज़ आर सेल द एंडबल यूज़ से मुराद वही फार्मूला अपने पास रख के बोतलें या सेल सेल में बोतलें बेचेंगे यूज़ खुद इस्तेमाल कर लें और इन द एंड आखिरी चीज़ जो हम घिबिटी चीज़ हर स्टैंडर्ड में पूछते हैं कि जितना खर्चा हो रहा है इसका अंदाज़ा कहीं रखा हुआ है या बस अन्य वहीं साइंसदानों को पैसे दिए जा रहे हैं इट्स एबिलिटी टू मैयर द एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल टू ड्यूरिंग दिस डेवेलपमेंट अब मोटे मोटे क्या सवाल है जरा रिवाइज करें टेक्निकली फिजेबल है कि उसको हम कम्प्लीट कर सकेंगे या अच्छा इसका क्या मतलब है टेक्निकली फिजेबल और टेक्निकल रिसोर्सिस इन दोनों में क्या फर्क है एक ये है कि टेक्निकल रिसोर्सेज हमारे पास होनी चाहिए और उसके बाद यह कि रिसोर्सिस को इस्तेमाल करना भी आना चाहिए टेक्निकली फिजेबल भी है कि ये पूरा हो सकेगा या नहीं ये करा, करामद भी होगा या नहीं उसके बाद अगला सवाल आपकी नीयत भी है ओनर इसको कंप्लीट करने की या अगला सवाल आप इस काबिल भी हो के बाद में इसको यूज कर सकोगे या नहीं ठीक है उसके बाद फ्यूचर में कैसे बेनिफिट आना उसमें मार्केट का सर्वे करा लें तो कहते हैं बेहतर है, है। लोगों से पूछ लें आप ये चीज पसंद करेंगे या नहीं और उसके बाद आपके पास टेक्निकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज मौजूद हैं या नहीं।, नहीं और उसके बाद कॉस्ट का नजर लगा सकते हैं यानी काफ़ी हो गया ना बस ठीक है बस